हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक उठा रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा में गति। नाम से लग रहा होगा कि एक बॉडी कोई मोशन कर रही होगी, गति कर रही होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, यांत्रिकी क्या होती है। देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी के रेस्ट या मोशन के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द बॉडी विच इज इन मोशन आर इन रेस्ट। ठीक है, अब किस वजह से रेस्ट में है, किस वजह से मोशन में है, फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, बहुत छोटी बातें हैं। देखिए, ये लेसन की जो स्टार्टिंग है इसके बारे में आप छोटे क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो बताई जा रही हैं। एक होता है स्टेटिक्स, स्थिति विज्ञान। नाम से लग रहा है कि बॉडी जिसमें स्थिर रहे, बॉडी इज नॉट मूविंग, ये स्टेटिक्स है, इट इज नॉट स्टैट्स। स्टैट्स आपको याद होगा 9th, 10th, 11th वगैरह में आपने पढ़ा है, 11th तो चली रहा, सॉरी 9th, 10th में आपने पढ़ा है, मीन मीडियन मॉड वगैरह पढ़ते थे, उसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, बारंबारता वगैरह थी, माध्य बहुलक माध्यिका, वो स्टैट्स नहीं है, ये है स्टेटिक्स। इसमें हम उन बॉडीज के बारे में बात करेंगे विच आर इन रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट के कई कारण हो सकते हैं, बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी को मूव नहीं कराया जा रहा है, भाई अपने आप तो मूव नहीं करेगी, बॉडी से जाओ यहाँ से वहाँ चली जाओ बैठ जाओ जा करके नहीं जाएगी, हमने इससे कहा पेन से जाओ वहाँ जाओ, छोड़ देंगे नीचे गिर जाएगा, नहीं जाएगा। या तो मैं फोर्स लगाऊं बॉडी में और नेट फोर्स बॉडी पर जीरो हो तब भी बॉडी रेस्ट में रहेगी। मतलब रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी पे फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, एक फोर्स इधर लगा, एक इधर खींचा, एक इधर खींचा, एक इधर खींचा, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना है, जीरो, बॉडी विल नॉट मूव। तो वो ब्रांच जो डिस्कस करती है वो स्टैटिक्स है, यहाँ डिस्कस नहीं किया जाएगा, एक ब्रांच होती है। दूसरी है आपकी काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी। देखो, एक गतिकी होगी, गति के बारे में बात करेंगे, और ये शुद्ध गतिकी है। अब शुद्ध का मतलब ये नहीं इसको फिल्टर कर दिया है। देखिए, काइनेमेटिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी, आगे जुड़ा है विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी यहाँ मोशन किस कारण से हुआ है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, यानी कि आई विल नॉट टॉक अबाउट फोर्स, यानी नॉट कंसीडरिंग फोर्स, नॉट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कारण क्या है, कॉज का मतलब मोशन का कारण क्या है, और कारण क्या होता है, फोर्स, तो यहां पर फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यह होता है काइनेमेटिक्स। तीसरा है ब्रांच डायनामिक्स, डायनामिक्स इसको बड़े क्लासेस में एक नया नाम दिया गया है, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, इसको कहते हैं गतिकी। गतिकी क्या होती है, ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में तो बात करेंगे लेकिन वी कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन, यानी यहां पर वी कंसीडर कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, किस कारण से मोशन हुआ, यानी कि वी टेक फोर्स, फोर्स यहां पर कंसीडर किया जाएगा, ये आपका काइनेटिक्स है। किया जाएगा का मतलब ये ब्रांच है, इसके बारे में यहां बात नहीं हो रही है, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। अब बात करने जा रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नए नए वर्ड आएंगे समझ लीजिएगा, आप 11th क्लास में गए हैं और आप 9th, 10th पढ़ के आए हैं, वो छोटी छोटी किताबें आप पढ़ के आए हैं, और अभी आपने फिजिक्स की अगर कोई NCERT ली होगी तो खैर वो तो पतली दिखती है, लेकिन अगर आपने कोई रिफ्रेशर ली हो, SL अरोड़ा है, नूतन की फिजिक्स है, वो सारी और फिजिक्स हैं, तो बहुत मोटी मोटी बुक्स आपने देखी होंगी, ठीक है, तो उसमें नए नए वर्ड आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ाई करिएगा। देखिए, एक वर्ड आता है
फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। देखिए आप किसी घटना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने कहा कि मैंने एक 10 बजा था और मैंने एक बहुत बड़ी आवाज़ सुनी, धमाके की और बड़ी बहुत सी लाल लाल रोशनी दिखाई पड़ी। हमने कहा कि हाँ हमने भी देखा था, 10:02 हो रहा था और रोशनी तो दिखाई पड़ी थी, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी थी। तो हमने कहा आप कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं तो इस फला ब्रिज पर खड़ा हुआ था और यहाँ से वो जहाँ पर घटना थी वो 2 किलोमीटर है। आपने कहा हम उससे थोड़ा दूर खड़े हुए थे, 5 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। तो हम जहाँ पे खड़े होके उस इवेंट को देख रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट एनी इवेंट, तो फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग, फ्रॉम वेयर वी आर एक्सप्लेनिंग द इवेंट, हम कहाँ पे खड़े होकर के उस इवेंट को देखते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को निर्देश तंत्र कहते हैं। किसी घटना को जहाँ पे खड़े होकर के या जिसके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया जाए उसी को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। मान ले कोई घटना पृथ्वी पे हो रही है और आप पृथ्वी पे खड़े होकर के उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन, मान लिया मंगल ग्रह पे है, किसी और ग्रह पे है, अगर वो मार्स पे है, वहां से उस घटना को बता रहा है, तो दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब चूंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने एक बात और बताई है कि हमने 10 बजे घटना देखी है और अगले ने 10:02 पे देखी है, यानी वी आर कंसीडरिंग टाइम आल्सो, तो दिस इज आल्सो नोन एज टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब टाइम भी इसमें कंसीडर किया जा सकता है। और सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो एक्स वाई जेड होता है। क्योंकि हम कहेंगे हम फला कोऑर्डिनेट सिस्टम में थे, जहां का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 था, आप 4, 5, 7 पे थे, आपका एक्स कोऑर्डिनेट 4 था, वाई कोऑर्डिनेट कुछ और था, जेड कुछ और था। तो ये सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको कहते हैं जड़त्वीय, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसको कहते हैं अजड़त्वीय। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम तो ये निर्देश तंत्र, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र है, और ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इनर्शियल का मतलब यह होता है कि जिस में लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो, जहां पर न्यूटन्स लॉ फॉलो किए करें वो इनर्शियल, और जो न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उसको आप नॉन इनर्शियल कहते हैं। इस सभी के बारे में आप ग्रेजुएशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां गैलीलियो साहब ने, न्यूटन साहब ने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। अभी फिलहाल इतना ही पर्याप्त आपके लिए है। अब बात करते हैं रेस्ट की। बहुत छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं जो कि बहुत छोटे क्लास के बच्चे भी बता ले जाएंगे, लेकिन चूंकि आपको थोड़ा सा उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट क्या होता है, नाम से लग रहा है रेस्ट, जिसको कि हिंदी में हम कहेंगे विराम। रेस्ट नाम से लग रहा है कि बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग वर्ड ही वो यूज हो रहा है। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और दूसरा व्यक्ति जो आपके बगल में बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं प्लेटफॉर्म से, तो यू आर इन मोशन, आप चल रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट एक रिलेटिव वर्ड है, एक सापेक्ष वर्ड है। हम अगर आपको रेस्ट में कह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में। पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति हमको रेस्ट में कहता है, लेकिन किसी और प्लैनेट से, किसी और सैटेलाइट से अगर वो हमको देखता है तो आई एम इन मोशन। तो रेस्ट का मतलब होता है इफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन अबाउट इट्स सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज नोन एज इन रेस्ट। जैसे बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल, कोई बुक है
टेबल पे रखी हुई है, तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं तो आप लिखेंगे बुक लाइंग ऑन द टेबल, तो ये रेस्ट पोजीशन में है। क्यों कहे क्यों है भाई रेस्ट में, क्योंकि आप वहीं खड़े हुए हैं, बगल में खड़े हुए हैं, तो टेबल एंड बुक बोथ आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। लेकिन अगर हम दूसरे प्लेनेट से देखेंगे तो दिस इज इन मोशन। दूसरा बात होता है मोशन, गति। नाम से लग रहा है कि बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यदि कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के चारों ओर या रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी स्थिति चेंज करती है, तो वो मोशन में है। वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कि भाई ये रिलेटिव वर्ड है। अब जरा समझिएगा, दो ट्रेनें एक साथ अगल बगल ट्रैक में चल रही है सेम स्पीड से, आपने देखा होगा पिक्चरों में एक सेम स्पीड चल रही है, इस ट्रेन से विलन जाता है, उस ट्रेन में कूद जाता है, वहां एक मर्डर करता है, वहां से इधर कूद आता है और आराम से घर में जाके सो जाता है। बाद में उसको घर में समझ में आता है कि दूसरी वाली ट्रेन में एक छोटा सा बच्चा हमको देख रहा था रात में, वो पहचान ना जाए, फिर उसको मारने के लिए वो प्लान बनाता है और फिर हीरो बचाता है, वो किसी फिल्म में था कहानी। तो अब इस ट्रेन से उस ट्रेन में कैसे कूद गया भाई, 200 की रफ्तार से ये ट्रेन थी, 200 की रफ्तार से वो ट्रेन थी, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में थी जबकि वो मोशन में थी। तो मोशन का मतलब होता है कि बॉडी चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि मोशन और रेस्ट दोनों कैसे वर्ड हैं, दे आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे किसी के सापेक्ष इस वर्ड के बारे में बात हम करेंगे, ठीक है। अब मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो अगला है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार देखिए, एक तो होता है वन डायमेंशनल मोशन, पहला है आपका वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल भी कहते हैं, इसको लीनियर भी कहते हैं, इसको रेक्टिलीनियर भी कहते हैं, तीनों नाम है इसके। वन डायमेंशनल मोशन क्या है, यानी एक विमीय गति, एक विमीय गति। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, हमने कहा भी कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। मान लिया मैं दो डायमेंशन की बात करूं, एक्स कामा वाई, कोई बॉडी इस पॉइंट पे थी और इसका कोऑर्डिनेट था 1, 2, इसका मतलब तो आप जानते होंगे कि भाई ये ओरिजिन है, यहां बॉडी 1 गई, यहां बॉडी 2 गई। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि बॉडी यहां पहुंच गई और इसका कोऑर्डिनेट है, ये मान लिया 4 हो गया, 4, 2, तो ये 2 ही रहेगा। तो आपने देखा केवल एक्स कोऑर्डिनेट इसका चेंज हुआ, यानी कि ऐसा मोशन जिसमें आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन। इसको वेग विमीय गति कहते हैं अगर उसके निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक, एक कोऑर्डिनेट उसका चेंज होता है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में अगर कोई गति हो रही है तो उस प्रकार की जो मोशन होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन कहलाता है। दूसरा होता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल नाम से लग रहा है कि आउट ऑफ 3 डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट, डोंट से डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। देखिए टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, जैसे मान लिया हम दो डायमेंशन ही ले रहे हैं, एक्स कामा वाई, हमने कहा एक बॉडी यहां है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है और थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गई, इसका 4, 1 हो गया। तो आपने देखा इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट भी हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन अ प्लेन जो होता है, मोशन इन अ प्लेन, किसी समतल में, प्लेन का मतलब समतल, किसी समतल में जो गति होती है वो कैसी गति होती है,
टू डायमेंशन होती है। इसके बाद आता है मोशन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। अगला है आपका थ्री डायमेंशनल मोशन। नाम से लग रहा है कि किसी भी बॉडी के तीन कोऑर्डिनेट में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए। जैसे मान लिया हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 3, 4, और थोड़ी देर बाद हमने देखा बॉडी यहां पहुंच गई और ये हो गया 4, 5, 6। तो मान लिया अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस इसका एग्जाम्पल है। अंतरिक्ष में जो गति होती है, जो स्पेस में गति होती है, उसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ और बातें करते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हो रही हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे क्लास की बातें हैं ये। अब चूंकि बातें करनी है इसलिए बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, वहां तो डेफिनेशन देखते थे, यहां थोड़ा सा उसको डिटेल में बात की गई है। ये सब 9th-10th में आप पढ़ चुके हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस जिसको कि हिंदी में आप जानते हैं दूरी, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो होती है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई जो होती है, अगर कोई बॉडी रास्ता तय कर रही है तो टोटल जो लेंथ होती है उसके पाथ की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मान लिया अगर कोई बॉडी यहाँ ए पॉइंट पे है और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आ जाए बी पॉइंट पे और 2 मीटर डिस्टेंस कवर करे, फिर वो सी पॉइंट पे चली जाए 3 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ये पूरी लंबाई जो होगी वो गिनी जाएगी। ठीक है, अगला होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, प्रारंभिक और अंतिम जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है बॉडी के, उसके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लिया कोई बॉडी ए पे थी और यहाँ बी पे आ गई और हमने कहा 5 मीटर बॉडी ने डिस्टेंस कवर की, इसके बाद सी पे आ गई, ये 6 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, दूरी के बारे में बात करूँ, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा 6, 5, 11। और अगर डिस्प्लेसमेंट करता हूँ तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लिया 3 मीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यानी यहां जो डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं, डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए से बी तक और प्लस बी से सी तक, तो कुल आपकी 11 मीटर हो गई। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं, तो वो ए सी होगी और वो कितनी है, 3 मीटर है। यानी यहां डायरेक्शन देखनी पड़ती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है, ये इसमें दिशा होती है। अब जरा समझिएगा, अगर बॉडी ए से बी तक जाती, बी से सी तक जाती है, लौट के फिर सी से ए तक आ जाती, मान लेते हैं, तो 5, 6, 5, 11, 3, 14, तो डिस्टेंस तो 14 हो गई, दूरी आपकी 14 हो गई, लेकिन आप उसी पॉइंट पे लौट आए और आप कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है, अब चूंकि वहीं पर पहले थे और बाद में वहीं थे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं स्पीड, जिसको कि आप हिंदी में चाल कहते हैं, स्पीड। नाम से लग रहा होगा सब बहुत जानी हुई बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए बताया गया है। जैसे नाटकों में होता है कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, तो वही पिछले एपिसोड में आपने देखा, वही मैं दिखा रहा हूं। देखिए स्पीड क्या होती है, स्पीड जिसको कि कहते हैं चाल,
तो स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं हिंदी में लिख रहा हूं, चाल दूरी बटे समय है, ये दूरी है और ये समय है, तो इसको हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड कितने प्रकार की होती है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें दिशा नहीं होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशि है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, दिशा मतलब डायरेक्शन। अब स्पीड के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। ठीक है, पहले तो हम लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। पहली स्पीड की हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जो हम चलते हैं तो हमारी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, वो बिना यूनिफॉर्म के भी आप अगर चलोगे तभी स्पीड होती है। जरा समझिएगा, एक समान चाल नाम से लग रहा है कि अगर दो बॉडीज, कोई बॉडी सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे आपने एक सेकंड में 2 मीटर कवर किया डिस्टेंस, अगले एक सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले एक सेकंड में फिर 2 मीटर कवर किया, तो आप क्या कर रहे हैं कि हर सेकंड जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 2 मीटर कवर कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी। यानी बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करें, आप एक सेकंड में 2 मीटर चलते हैं, अगले एक सेकंड में 3 मीटर चलते हैं, अगले एक सेकंड में 10 मीटर चलते हैं, तो आपकी परिवर्ती नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अगला क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल। यानी अगर बॉडी जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे या समान दूरी असमान समय में तय करे, दोनों बातें हैं, हम हर एक सेकंड की बात कर रहे हैं। समय समान किया है, समय सेम लिया है, डिस्टेंस चेंज किया है, हम डिस्टेंस सेम कर रहे हैं लेकिन समय चेंज कर दिया। आप 10 मीटर चलते एक सेकंड में, अगले 10 मीटर 2 सेकंड में, दोनों बातें कर सकते हैं कि सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे तो आपकी परिवर्ती स्पीड हो जाएगी। और ऐसी स्पीड में हमको मजबूरी करना क्या पड़ता है? एवरेज निकालना पड़ता है, तो इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, हिंदी लिख लेंगे, वो छोटा हिंदी, छोटी हिंदी है, अपॉन टोटल टाइम, इसको कहते हैं औसत चाल। ठीक है, इसको रब करने के पहले मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर बाद स्पीड के बाद वेलोसिटी आएगी, अभी इसके आगे बताया जाएगा। जब यहां वेलोसिटी आएगी, यहां वेग हो जाएगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। और दूरी की जगह विस्थापन हो जाएगा, डिस्टेंस जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और सब सेम रहेगा। जहां जहां डिस्टेंस वर्ड आए वहां डिस्प्लेसमेंट कर दीजिएगा, बस वही सब पूरी डेफिनेशन दोबारा आएंगी। तो ये औसत चाल हो गई जाकर के। अब बात करते हैं हम, एक बहुत टेक्निकल वर्ड यहां पर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हिंदी अजीब है इसकी, तात्क्षणिक चाल। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड होती क्या है? हमने कहा भाई अपनी फला बॉडी चल रही है उसकी स्पीड बता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक तो डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, और घड़ी देखनी पड़ेगी। अब बार बार समय इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि बॉडी यहां पर थी, आपने घड़ी देखा, बॉडी देखा, बॉडी वहां पहुंच गई, बोले अच्छा रुको, देखा घड़ी तो बॉडी वहां पहुंच गई,
अब घड़ी देख नहीं पा रहे हो, बॉडी वहाँ पहुँच जाती है, तो मैं या तो उसकी पोजिशन देखूँ या तो मैं टाइम देखूँ। तो मैं टाइम को घड़ी को रोक देता, पकड़ लिया इसको, चलने नहीं देंगे। बॉडी देखा, अच्छा ये टाइम 10 बजे था, मान लिया 1 सेकेंड या माइक्रो सेकेंड हल्का चेंज हुआ। यानी टाइम को हम फिक्स कर देते हैं, टाइम को चेंज नहीं होने देते हैं, यानी टाइम चेंज बहुत स्मॉल लिख देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड में हम क्या करेंगे, हम वी बार लगा देंगे। बार ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और वी में लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये तो डिस्टेंस बटे टाइम है, लेकिन टाइम चेंज को हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। समय परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म है, जीरो नहीं है, टेंस का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल, माइक्रो सेकेंड है भाई। हो ये रहा है कि आप यहां से यहां तक गए, या आपने पोजीशन चेंज की, बहुत जल्दी चेंज की, मैं घड़ी कैसे देखूं भाई, आपको देखता हूं, घड़ी देखता हूं तो आप वहां पहुंच जाते हैं, घड़ी देखता हूं तो आप लखनऊ पहुंच जाते हैं बुलेट ट्रेन तरह। तो हमको टाइम चेंज इस्तेमाल लेना पड़ेगा, ये आगे बहुत बार इस्तेमाल होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो इसी को मैथमेटिक्स की भाषा में डीएस अपॉन डीटी कहते हैं, और ये बाद में डिस्कस किया जाएगा। इस प्रकार से जहां जहां स्पीड है वहां वेलोसिटी कर दीजिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और यहां पर डिस्टेंस है वहां डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हुआ, उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।